आए दिन हॉलीवुड में हमें बहुत सारे सीक्वल्स, प्रीक्वल्स और रीमेक्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं और ये अपडेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि कई सारे फिल्मों के अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाते। और इस वीडियो में कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनके सीक्वल्स डेवलपमेंट में हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। 1983 में रिलीज हुई अ क्रिसमस स्टोरी के कई सालों बाद इस फिल्म के सिक्वल पर काम चल रहा है, जिसका टाइटल होगा क्रिसमस स्टोरी क्रिसमस, जिसमें पीटर बिलिंग्सले रैल्फी के रोल को रिप्राइज करेंगे। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में पीटर सिर्फ 12 साल के थे और अब जब इस फिल्म के सिक्वल को बनाया जा रहा है तो पीटर अब 51 साल के हो चुके हैं। अ क्रिसमस स्टोरी क्रिसमस इस साल 17 नवम्बर को HBO मैक्स पर रिलीज की जाएगी। श्रेक फ्रेंचाइज के स्पिन ऑफ पुस इन बूट्स। पुस इन बूट्स की फर्स्ट फिल्म 2011 में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही। इसके बाद इस फिल्म के सीक्वल को अनाउंस किया गया, जिसका टाइटल पुस इन बूट्स 9 लाइव्स एंड 40 थीव्स रखा गया था। बाद में इस फिल्म को डिले किया गया, जिसके साथ ही इस फिल्म का टाइटल भी चेंज कर दिया गया और अब इस फिल्म का टाइटल पुस इन बूट्स द लास्ट विश कर दिया गया है। इस फिल्म को इसी साल 21 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। 2019 की मोस्ट पॉपुलर नेटफ्लिक्स फिल्म मर्डर मिस्ट्री की सीक्वल की फिल्मिंग कंप्लीट कर ली गई है और नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के सीक्वल को इस साल के एंड में रिलीज किया जा सकता है। ओरिजिनल फिल्म में एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन एक मैरिड कपल है, जो एक बिलीनियर के यॉट पर मर्डर में फंस जाते हैं और आने वाले इस फिल्म के सीक्वल में भी एडम और जेनिफर अपने रोल को रिप्राइज करेंगे। लॉन्ग रनिंग इंसीडियस फ्रेंचाइज के फिफ्थ इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाली है और इस बार इंसीडियस के स्टार पैट्रिक विल्सन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इंसीडियस की पहली दो फिल्में एक कपल को फॉलो करती है जिनके बेटे के साथ बुरी घटनाएं घटती हैं, जबकि तीसरी और चौथी फिल्म प्रिक्वल है जो फोकस करती है साइकिक पर। और आने वाली फिल्म इंसीडियस 5 फॉलो करेगी पहले और दूसरे फिल्म के डॉल्टन लैम्बर्ट को। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ में ऑस्कर नॉमिनेटेड परफॉर्मेंस के बाद डेंजल वॉशिंगटन एक बहुत ही अलग रोल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। द इक्वलाइजर 3 के लिए एक्स मरीन रॉबर्ट मैककॉल के कैरेक्टर के लिए। हमने पहले इक्वलाइजर फिल्म में वॉशिंगटन के कैरेक्टर को एक टीनेज सेक्स वर्कर को प्रोटेक्ट करते हुए देखा रशियन माफिया से, जबकि दूसरी फिल्म में वॉशिंगटन अपने दोस्त का बदला लेता है। और तीसरी फिल्म के लिए डायरेक्टर एंटोइन फक्वा ने बताया कि उनके पास एक बड़ा प्लान है रॉबर्ट मैककॉल के नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट के सीक्वल्स डेवलपमेंट में है। द एग्जॉर्सिस्ट 2, 3 एंड 4 ब्लम हाउस प्रोडक्शन के अंडर रिलीज होगी। द एग्जॉर्सिस्ट ट्रायलॉजी की पहली फिल्म 13 अक्टूबर 2023 में रिलीज की जाएगी। पैरामाउंट के लिए स्टार ट्रेक काफी बड़ा फ्रेंचाइज है और स्टार ट्रेक के फोर्थ फिल्म के लिए प्रोडक्शन 2009 के स्टार कास्ट को फोर्थ फिल्म के लिए एक बार फिर से वापस लाएगा। स्टार ट्रेक 4 के लिए वांडा विजन के डायरेक्टर मैट शैकमैन को साइन कर लिया गया है और फिल्म का रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 सेट किया गया है। 1988 में रिलीज हुई अर्नोल्ड की फिल्म ट्विंस के सीक्वल ट्रिपलेट्स की फिल्मिंग जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी। इस फिल्म को 33 साल हो गए हैं और इस फिल्म के सीक्वल के लिए इवान राइटमैन थे, पर अनफॉर्चुनेटली 12 फरवरी को इवान राइटमैन की डेथ हो गई। लेकिन अर्नोल्ड इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और इस फिल्म का सीक्वल जल्द ही रिलीज किया जाएगा। प्लैनेट ऑफ द एप्स के 3 सक्सेसफुल फिल्म के बाद फ्रेंचाइज अब फोर्थ फिल्म लेकर आ रही है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे द मेज रनर के डायरेक्टर वेस बॉल। इस फिल्म के लास्ट दो फिल्में द बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स ने डायरेक्ट किया था और ऐसा लग रहा था कि 2017 में रिलीज हुई वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स इस फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होगी, लेकिन 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने इस फिल्म के फोर्थ पार्ट को भी अनाउंस कर दिया। 2011 में रिलीज हुई एडवेंचर ऑफ टिंटिन कई लोगों के लिए उनकी वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में से एक रही और आपको बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है। एनिमेटेड फिल्म को बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि फिल्म के लिए वॉइस रिकॉर्ड, एनिमेशन, मोशन कैप्चर करना और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन के फर्स्ट पार्ट को। आपको बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल को 2025 के पहले तक रिलीज किया जा सकता है और ये कहना सही होगा कि टिंटिन का फ्रेंचाइज अभी भी जिंदा है। तो ये थे कुछ ऐसी फिल्में जिनके सीक्वल पर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।